हाँ दोस्तों, कैसे हो? आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि एशियन पेंट कंपनी का स्मार्ट केयर डम प्रूफ केमिकल कैसे यूज करते हैं वाटर प्रूफिंग के लिए। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको पूरी डम प्रूफ की डेटा शीट दिखाने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप समझ सको कि क्या क्या इसके अंदर है, कैसे अप्लाई करना है, इसके अप्लाई करने से पहले क्या कंडीशन होनी चाहिए, दीवार की कैसी मरम्मत वगैरह करनी है, ये सब बताएंगा मैं आपको डेटा शीट के बारे में। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि कैसे इसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों, ये सब मैं आपको वीडियो में बताता हूँ। तो दोस्तों, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले सारे पेंटिंग के रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो दोस्तों, चलो वीडियो स्टार्ट करता हूँ। स्मार्ट का डैम प्रूफ एक इलेक्ट्रोमैटिक वाटर प्रूफिंग है, जो सूखने के बाद एक लचीला मेम्ब्रेन बन जाता है। ये दीवारों को भीतर पानी को 7 बार प्रेशर तक जाने से रोकता है। इसकी पैकेजिंग 1, 4, 10 और 20 लीटर में अवेलेबल है। ये ओनली व्हाइट कलर में आता है और कवरेज होता है छत पर 25 स्क्वायर फुट और दीवार पे होता है 35 स्क्वायर फुट पर लीटर में। और दोस्तों, इसका सूखने का टाइम है 4 से 6 घंटे के बीच में, ये अच्छे से सूख जाता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ अलग अलग स्लॉट वाइज आपको स्क्रीनशॉट दिखा के। दोस्तों, साफ़ करने से अच्छे से हमें पूरी तरह से क्लीन करना है, फंगस वगैरह जो भी हो वो तो हटाना है हमें अच्छे से। और आप ये देख सकते हो, जैसे रिपेयर करना है कहीं पे क्रैक है वो सब क्लीन कर देना है। और उसके बाद हमें आगे प्राइमर वगैरह की करनी है। कुछ टेक्निकल डिटेल्स, ये रेडी टू यूज़ मटेरियल है और ये 1.26 का मिक्सिंग रेशियो है और ये तापमान है 5 से 35 के बीच में कर सकते हैं। ये थोड़े सेफ्टी फीचर्स से है, आप वीडियो को स्टॉप करके पूरा पढ़ सकते हो अच्छे से। तो दोस्तों, अब हम बताएंगे इसका हाउ टू मिक्स है, मतलब कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में। हमारे लीकेज है तो प्लास्टर को निकाल के वो प्लास्टर रिपेयर करना है। उसके बाद जहाँ पे क्रैक है वो सब हटाना है, ऑयल वाला पार्ट कुछ भी रखना नहीं है। और जहाँ पे क्रैक है उसे हमें अच्छे से क्रैक फिलर से भरना है। उसके बाद हमारे ये कलर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये पूरी डिटेल्स हमें फॉलो करनी है, उसके बाद हमारा जो ये डैम प्रूफ है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं प्रैक्टिकली कैसे करना है। तो ये दोस्तों, आप देख सकते हो, इसे हम पहले अच्छे से निकाल लेंगे जहाँ पे हमारे जो पेज वगैरह थे, प्लास्टर निकल रहा है, प्लास्टर में पानी वगैरह कुछ है, क्रैक है तो उसे भी निकाल देना है। तो ये हम अच्छे से निकाल लेते हैं। आप देख रहे हो पूरे कैसे से हमने निकाल दिया है, पूरी जहाँ तक निकल सकता है वो पूरा का पूरा मटेरियल हमें निकल रहा है। मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ कितना, मतलब जो निकल रही है उतना पूरे की पूरी प्रोसेस करना है हमें, निकाल देना है और कहीं पर रह जाएगा तो हमारे डैमेज कर सकता है। तो ऐसे हमने पूरा निकाल दिया है। ये करने के बाद हमें आपको बताएंगे कि मिक्स कैसे करना है। तो तकरीबन हमारा पूरा निकल चुका है, ये दिखाने के लिए हमारी एक वॉल थी उसका हमने वीडियो लिया। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हो, वैसे हमारा स्मार्ट केयर डम प्रूफ एडवांस है। आगे हमने जैसे बताया था डेटा शीट में, इसका मिक्स करने का रेशियो 1 लीटर में 260 ml पानी मिक्स करना है और अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें अप्लाई करना है। तो दोस्तों, अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बताने से पहले, ये मिक्स करके रखा है, इसे अच्छे से हिला के साइड में जो डब्बा है उसके अंदर डालूंगा और फिर आपको बताऊँगा कैसे अप्लाई करना है। आप चाहे वैसे कर सकते हो, ब्रश का की मदद से कर सकते हो, आपके सरफेस अच्छे से थोड़ी स्मूथ जैसी है तो रोलर यूज़ कर सकते हो, पर खड़ी है मतलब रफ है तो आप ब्रश यूज़ करें, जिसकी मदद से वो सब जगह पे अच्छे से पहुंच पाए। आप देख सकते हो हमारी थोड़ी बहुत टूटी हुई थी और रोलर पूरी जगह पे घूम नहीं सकता है, तो इसलिए हमने ब्रश का यूज़ किया है। इसे बस ठीक रख के ऐसे ही अप्लाई कर देना जैसे हम अभी कर रहे हैं, वैसे अच्छे से फिलअप करना है और जो हम अप्लाई करें उसके आजू बाजू का वो 1 फीट कवर कर लेना है। जहाँ पे हमारी पपड़ी नहीं लगी थी वो भी उससे एक फीट ऊपर 1 फीट नीचे, चारों तरफ 1-1 फीट, जिसकी वजह से आगे वहाँ पे लग ना सके उसकी पूरी गारंटी हमें मिल जाए। तो दोस्तों, ये थोड़ा बहुत लगे हुए, इसके पहले हमने ये पूरा मरम्मत कर लिया था, ऑयल वगैरह जो भी है हटा लिया था अच्छे से। उसके बाद ये आप देख सकते हैं, वैसे हमने ऊपर पूरा 1 फीट जितना कवर कर लिया है। अब हमने थोड़ी देर पहले आपको जो दीवार दिखाई थी जहाँ पे हमने निकाला था उसके भी अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, ये आप देख लो, ऐसे पूरे में कर देना है अच्छे से, जिसकी मदद से हमारे ये जाड़ी थिक लेयर बन जाए और ये सूखने के बाद कैसे दिखेगी वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये मैंने पूरा कर लिया है, अब मैं आपको इसका मतलब दिखा देता हूँ। जी, ये हमने बोला था 1 फीट आगे भी कवर करना है, ये कर लिया है। तो दोस्तों, यही था हमारा, आप देख लो सूखने के बाद कैसा दिखता है। दोस्तों, ये सूखने के बाद अच्छे से प्लास्टिक जैसी परत बन जाती है, हाथ में चिपकता नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे, अब दो एकदम मस्त फिनिशिंग आ जाती है। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और ये आप अपने घर पे खुद भी कर सकते हो। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।